दादाजी, ये इस बोतल में क्या है? बेटा, इसमें एक टॉनिक है जिसका नाम है सहारा टॉनिक। इसको मैंने अपने सैनिक भाइयों के लिए बनाया था। इसकी खास बात ये है कि इसको पीकर किसी भी इंसान की पावर उसकी असली पावर से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का टॉनिक है। दादाजी, क्या मैं ये टॉनिक पीकर देख सकता हूँ? चुलबुल बेटा, तुम तो वैसे ही इतने हेल्दी और ताकतवर हो, तुम्हें इस टॉनिक की क्या जरूरत है? तुम्हारी नेचुरल पावर ही काफी है। ओके ओके दादाजी, अगर वो टॉनिक मैं पी लूं तो 100 गुना शक्तिशाली हो जाऊंगा। 100 गुना। महाराज की जय हो। जब सपना इतना हसीन था तो हकीकत कितनी हसीन होगी। अगर मैं वो टॉनिक पी लूं तो सचमुच जंगल का राजा बन सकता हूँ। नन्हे मुन्हे बालक, हमें तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। आज से हम सवाल करेंगे और लोग जवाब देंगे, क्योंकि हम हैं चुलबुल द जंगल किंग। दादाजी, दादाजी, आज तुम्हें सबसे बदला लूंगा जो भी मुझे तंग करते थे। जब जंगल के राजा आते हैं तो प्रजा उन्हें सल्यूट करती है और तुम मजे से सब्जी बेच रहे हो। कम अकल, कम दिमाग, बदतमीज इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे अरे, क्या कर रहा है? अरे चुलबुल, ये क्या किया? अबे तो हार के बताता हूँ, तुम्हारा चुलबुल ने हमारे सारी सब्जी गिरा दी है। अब सारा पैसा जो है हम तुमसे लूंगा। लाओ हमारे पैसे। अब आप दादाजी से ही हिसाब किताब कर लो। चुलबुल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे पकड़ के ले आता हूँ। अरे चुलबुल, रुक जा यार, कहाँ जा रही हो तुम? हे तुच्छ इंसान, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि राजा का रास्ता नहीं रोकते? तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। छोड़ो और मुझे पकड़ो। ओके बॉस। अरे नीचे क्यों गिर रहे हैं? रुको रुको, सबके सामने हवा में मत रुको, नीचे लैंड करो। ओके बॉस, लैंड करता हूँ। अरे तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते। मैं आज से इस जंगल का राजा हूँ। किसी को कोई एतराज है? तो हमें सलाम करो और जंगल में अनाउंस करो कि नए राजा आ गए हैं। सब आके उनका अभिनंदन करें। तो जल्दी कुछ करो, उसको नॉर्मल करो। पहले मैं राजा साहब का अभिनंदन तो कर लूं। महाराज की जय हो। महाराज, हम जैसे तुच्छ गोरिल्ला की ये भेंट स्वीकार करो। हम खुश हुए। आओ तुच्छ गोरिल्ला, लाओ अपनी तुच्छ भेंट, मेरा मतलब है अपनी भेंट। कैसा लगा महाराज? अच्छा है। अगर इसमें 2-4 डायमंड भी लगवा देते तो और भी अच्छा लगता। कोई बात नहीं महाराज, ये देखिए मैं आपके लिए कुछ और भी लाया हूँ।
ये दोनों बेवकूफ कौन है? महाराज ये दोनों आपके सेवादार है, आपकी सेवा करेंगे। चलो मेरे सेवको, मेरी सेवा करो और तुम सब जाओ मेरी प्रजा को कहो कि आके नए राजा को सलाम करके जाएं। ओ नहीं, वीर के सामने तो असली गोरिल्ला है। क्या मस्ती कर रहे थे? चलो चलो चल के उसे घर ले चलो। चलो ये लड़का ठीक तो है ना? मेरे पास शेर चीते नहीं आते और इसकी इतनी हिम्मत। तुम मुझे डरा नहीं सकते समझे? चलो और चल के चुलबुल को ठीक करो। चलो अब वरना कान खींचूंगा। जिंटू जिंटू वो देखो सामने असली गोरिल्ला आ गया है। जल्दी कुछ करो जिंटू, जल्दी से कुछ करो। वो कुछ नहीं कर सकता, जो करना है मैं ही करूँगा। वो असली है और मैं नकली। अरे जिंटू तुमने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था यार। फंसा नहीं दिया, बचा लिया। तुच्छ गोरिल्ले, जंगल के राजा के पीठ पे बैठने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? अरे ये क्या? लगता है आज का दिन ही खराब है। एक बच्चा आकर डांट जाता है, एक गधा लात मार जाता है, अपनी कोई इज्जत नहीं क्या इस जंगल में? हे आलू जैसे गोल मटोल भालू, दिखता नहीं क्या जंगल के राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुमने उन्हें सल्यूट भी नहीं किया? अच्छा अच्छा मुझे डरा रहे हो, ये लो। कौन है ये? किसी सर्कस से आया है क्या? हाँ, लगता तो वैसे ही है, खुद को जंगल का राजा बता रहा है। जंगल, जंगल का राजा? ये और राजा? हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम राजा बने रहो। चुलबुल घर चलो, बहुत हो गया ये सब। हे नन्हे मुन्हे बालक, चुपचाप चले जाओ, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। जाओ बालक, चले जाओ यहाँ से। कौन बेवकूफ है जो खुद को जंगल का राजा कह रहा है? वो राजा मैं हूँ और कोई नहीं। तुम मुझे सलाम कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें किंग किसने बनाया? किंग को कोई किंग नहीं बनाता, किंग खुद ब खुद किंग बन जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सल्यूट करो वरना तुम्हें जंगल से देश निकाला देकर शहर भेज दूंगा। शहर? सिटी? That's great! क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे सिटी में भेज सकते हो? फिर तो तुम मुझे एक कार, क्रेडिट कार्ड, ये दो चीजें दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कार या क्रेडिट कार्ड का तो पता नहीं, पर तुम्हें एक सॉलिड किक जरूर दे सकता हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे किक मारेगा? कसम अपनी पूंछों, नहीं मूंछों की, आज तेरी पूंछ उखाड़ कर अपना घर साफ करने के लिए झाड़ू बनाऊंगा। मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? दादाजी ने कहा था इसकी दवा का असर जब खत्म हो जाएगा ये नॉर्मल हो जाएगा। लगता है दवा का असर खत्म हो रहा है। वीर वीर कहाँ हो? ये टाइगर मेरी तरफ इस तरह क्यों आ रहा है? भाग चुलबुल भाग, वो टाइगर तुम्हें खाना चाहता है। मैं उसे और देर तक नहीं रोक सकता हूँ। मेरे पैर,
फंस गए, हिल नहीं पा रहा। स्प्रिंग शूज ऑन। स्प्रिंग शूज ऑन। कमाल है, एक खुद को राजा कहता है, दूसरा बंदरों से ज्यादा तेज उछलता है। सुना है आप जंगल के नए राजा हो? हमारा पूरा गुरिल्ला ग्रुप आपसे युद्ध करना चाहता है। वो आपकी शक्ति को परखना चाहते हैं कि आप राजा बनने लायक हैं या नहीं। पूरा गोरिल्ला ग्रुप मुझसे युद्ध करेगा? अरे कैसी शक्ति, कैसा राजा! वीर वीर भागो, मुझे नहीं बनना राजा। वाह, क्या कैच पकड़ा है! कुछ भी कहो, क्रोस के कैचिंग पावर भी कमाल की होती है। लेकिन ये कौवे लोग इतना शोर क्यों करते हैं? वो शोर नहीं करते, बल्कि आपस में बातें करते हैं। उनकी बातें हमें शोर लगती हैं। तुमने ठीक कहा वीर, हर एनिमल और बर्ड, इवन इंसेक्ट्स की अपनी भाषा होती है। ये लो। अब जम के ब्रेकफास्ट करो तुम लोग। लगता है आज जॉगिंग थोड़ी कम हुई है, कल कुछ ज्यादा करूँगा। आज सुबह सुबह किसी का ब्रेकफास्ट छीनने की सजा का भी ना चलो। ओए, ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? ओए, एक्स्ट्रा जॉगिंग कल करनी है, आज नहीं। बचाओ बचाओ! अरे भाग मिस्टर चड्ढा, भाग! अबे फिर से मिस्टर चड्ढा के साथ क्या हुआ? मैड मैक्स इज मैड, very very mad. Meow, you are genius boss. Mona, you are right, main genius hu. Ab dekho mere super duper genius mind ka kamaal. Timbuktu! Yes boss. Jao, tum mere banaye hue sare balloons lekar aao. Yeah. Ye dekhiye boss, ye rahe aapke balloons. Ab batao tum kya karoge? सोचो और सोच के बताओ। बॉस, मैं समझ गया, हम लोग आज से बलून बेचने का नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं बॉस। हम बलून नहीं बेच रहे कद्दू इंसान, इन बलून के ऊपर बॉम्ब है और बलून्स में जहरीली गैस। तुम इसे फुर्सतगंज में रख देना और दूर जाके रिमोट से इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देना। Genius, super duper genius boss. Blast से balloons फट जाएंगे और जहरीली गैस पूरे शहर में फैल जाएगी। Meow. Yes, yes. तुमने ठीक सोचा मोना, सब खत्म हो जाएंगे, बस एक रोबोट ही बचेगा, उस पे जहरीली गैस का असर नहीं होगा, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। अंकल बलून दो, वो ग्रीन वाला, मुझे रेड वाला। चलो भागो, ये बलून बेचने के लिए नहीं है, भागो। वो बलून्स नहीं बेच रहा, फिर किस लिए आया है? कुछ तो अजीब है, देखो सब बलून्स नेट में बंद हैं। अरे हाँ, और देखो बलून्स के ऊपर क्या है? ये तो बम जैसा कुछ लग रहा है। बम? वो आदमी भी जाना पहचाना लग रहा है, पता करते हैं वो कौन है। आइस कैमरा ऑन, टेक फोटोग्राफ। आइस कैमरा ऑन, टेकिंग फोटोग्राफ। वर्चुअल स्क्रीन ऑन, मैच फोटोज। फोटोज मैच, टिम्बक्टू टिम्बक्टू। ओ, तो टिम्बक्टू यहाँ कुछ गड़बड़ करने आया है, चलो पहले उसकी पोल खोलते हैं। भाग बेटा टिम्बक्टू, तेरी असलियत खुल गई है, मूंछ दाढ़ी सब उड़ गई है, भाग ले यहाँ से। मजा आ गया। इमली
जल्दी से मेरे साथ आओ, कम फास्ट, हमें बॉम्ब डिफ्यूज करना होगा, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। ओए, ये बलून यहाँ कौन छोड़ गया है? किसके बलून से ये? जिसके हो वो ले जाए, वरना मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। मोहल्ले वालों ध्यान से सुन लो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर ये बलून अपने घर ले जाऊंगा। 1, 2, 3। अब ये सारे बलून्स मेरे हैं। चंदा अंकल। ये मैं उड़ क्यों रहा हूँ? करनी थी क्या? इमली में अभी आया। अरे कोई मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, हेल्प मी, मुझे बचाओ। घबराओ मत अंकल, मैं आ गया हूँ, अब आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू वीर, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे आने के बाद मुझे और डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे अंकल, पैंट में बेल्ट तो बांध लिया करो। ओहो, मैं हूँ जिन, कहो क्या काम नहीं हो पा रहा मेरी बिन? मुझे जल्दी से ऊपर आसमान में लेकर चलो। ओके बॉस। ये जिन तो भी ना। ओह नो, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? जहाँ आपने बोला, ऊपर आसमान में। अरे यहाँ नहीं, मुझे वहाँ जाना है जहाँ मिस्टर चड्डा अंकल है। ओके, तो ऐसा बोलना था ना, ये लो। ये कहाँ ले आया? उफ, अरे यहाँ नहीं, मिस्टर चड्डा अंकल यहाँ नहीं है, वो ऊपर आसमान में बलून्स के साथ उड़ रहे हैं, उनका पीछा करो जल्दी। ओके। अब ये कहाँ गया? मिस्टर चड्डा अंकल का पीछा करने। ओह नो, मुझे भी तो साथ लेकर जाना था। ये नहीं सुधरेगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लो, ये पहन लो। अरे जल्दी करो। ये तुम क्या बना रहे हो? चुलबुल मान भी जाओ, चड्डा अंकल को बचाना है। इमली तुम यही रुको, मैं अभी आया। मैं भी चलूंगी। ओके आ जाओ। ये क्या हो रहा है? वीर, मैं मिस्टर चड्डा का पीछा बहुत दूर तक करके आया। अरे वीर कहाँ जा रहा है? मम्मी, वीर हवा में उड़ गया। उफ, ये बंटी भी ना, ये नहीं सुधरेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी, वीर हवा में उड़ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वीर हवा में उड़ गया तो नमस्ते क्या उसका भूत कर रहा है? चल आज तेरा भूत उतारती हूँ मैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं। वीर,
ये तुमने मुझे क्या बना दिया? समझ ही नहीं आ रहा कि मैं साइकिल हूँ या प्लेन। ए फ्रेंड्स, किसी आदमी को बलून में लटके हुए देखा है क्या? हाँ, उस तरफ गए हैं। अरे ये डंकी लोग कब से उठने लगे हैं? कितना फनी लग रहा है। चुप रहो, इसमें फनी क्या है? अभी दूल्हा की मारूंगा, चलो भागो यहाँ से। अंकल आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ ना। अब तक तो इतनी घबराहट नहीं हो रही थी, पर अब तुम आ गए हो तो ज्यादा घबराहट होने लगी है। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अरे ये तो इसी तरफ आ रहा है, बचाओ बचाओ। वीर, वीर, तुमने ये सब कैसे किया? यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे किया वीर? इन्होंने जो कुछ देखा सब भुला दो। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, जो कुछ ऊपर देखा तुमने या तुम्हें ना कुछ आए। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीर। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब याद नहीं आ रहा है, मैं जरा बंटी की मम्मी से पूछ कर आता हूँ। अजी सुनती हो, बंटी की मम्मी कहाँ हो? वीर, तुम नाम के ही नहीं सचमुच के वीर हो।